ग्वारीघाट थाना क्षेत्र शिवला गांव में लाठी डंडे से हमला कर एक युवक की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक पुताई करने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक हमलावरों और युवक के बीच शासकीय स्कूल के सामने ताश खेलने से मना करने की बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था और इसके बाद तीनों ने लाठी और डंडों से हमला कर युवक की जान ले ली। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्वारीघाट के छेवला गांव में उमाशंकर अहिरवार नामक युवक की लाठी डंडों से हमला कर हत्या करने वाले तीनों आरोपियों राजेश अहिरवार, बबलू उर्फ थापागौण और रविंद्र ठाकुर उर्फ बड्डू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी शहर से बाहर भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पुलिस अधिकारी इनसे पूछताछ कर हत्या में उपयोग किए गए लाठी डंडे की बरामदगी करने और अन्य साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि रविवार की रात हत्या की ये वारदात घटित हुई थी। गांव के रहने वाले तीनों हमलावर उमाशंकर के घर लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे और गाली गलौज कर उसे धमका रहे थे। कुछ देर बाद इन्होंने उमाशंकर पर हमला कर दिया, जिससे उमाशंकर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। इसमें तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें राजेश अहिरवार, बबलू थापा और बड्डू उर्फ रविंद्र गौंड नाम के तीन लोग हैं। ये दिन भर से मृतक और आरोपी साथ में ही कल चूंकि रविवार था तो ये आपस में सुबह से ही चौराहे पे ताश के पत्ते आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते में इन लोगों ने कुछ पैसों आपस में भी वो किया, तो जो मृतक है वो पैसे रख लिया था इनके। इसी बात को लेकर के इनका विवाद हुआ तीनों से। फिर तीनों ने इसके घर में जाकर के भी पेरेंट्स को बताया इसके मृतक के कि भाई आपका बेटा है जो हमसे विवाद कर लिया है, हमारे पैसे रख लिया है, आज तो हम इसको वो कर देंगे। तो इसी बात को लेकर के इसने मन में पाल लिया राजेश और इन लोगों ने कि ये आए दिन भी ऐसे इनको इंसल्ट टाइप से करता था, तो इस वजह को बनाते हुए इन्हें इंटेंशनली फिर प्रॉपर तीनों ने साथ में बैठकर योजनाबद्ध तरीके से लाठी और रॉड से इनके साथ सिर पे हमला किया। इसका ये इंतज़ार ही कर रहे थे कि अब आज ये आएगा तो इसको निपटाएंगे ही, क्योंकि हमसे चार लोगों के सामने विवाद करके हमारी इंसल्ट किया है। और इसी बीच जब मृतक शाम के टाइम रात में जब आया चौराहे पे तो इन्होंने पीछे से वार करके फिर इसके हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों और उमाशंकर के बीच शासकीय स्कूल के सामने ताश खेलने से मना करने की बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जो हत्या का मुख्य कारण बनकर सामने आया।